दिसंबर महीने के शुरू होने के साथ ही सर्दी ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं इस सर्दी में गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बता दें, जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों की निस्वार्थ मदद के लिए साझी मदद मुहिम चलाई, जो कि एक बार फिर गरीब परिवारों के होठों पर मुस्कान लाने में सफल साबित हुई। उपायुक्त सोनल गोयल बुधवार यानी कि आज जज्जर रिवाड़ी मार्ग पर बने स्लम एरिया पहुंचे और गरीब व जरूरतमंद परिवारों को कंबल और गर्म कपड़े बांटे। बता दें, जिला प्रशासन की साझी मदद मुहिम के तहत गर्म कपड़ों व कंबलों का प्रबंध किया गया था, जिन्हें उपायुक्त ने अपने हाथों से बांटा। इतना ही नहीं, उपायुक्त ने स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई लिखाई व पोषण युक्त आहार संबंधी जानकारी भी ली। उपायुक्त ने अभिभावकों से अपने बच्चों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, बाल भवन स्थित डे केयर सेंटर या नजदीकी सरकारी स्कूल में भेजने की अपील की है। सांझी मदद एक मुहिम जिला प्रशासन झज्जर की ओर से जनवरी 2018 से चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम सभी पब्लिक से हमारे जिले में हेल्प करने की हमने सबको अनुरोध किया है। इसके अंतर्गत जो भी यूजेबल चीज़ है, चाहे वो कपड़े हो, टॉयज हो, बुक्स हो, या ऐसी कोई भी वस्तु जो दूसरा व्यक्ति यूज़ कर सकता है, वो हम डोनेशन मांगते हैं। और इसके लिए सांझी मदद दो सेंटर्स हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, और एक सेंटर झज्जर में है बाल भवन के अंदर, और एक सेंटर बहादुरगढ़ के अंदर है। तो इस तरीके की जो ड्राइव है, इससे अभी तक लगभग 4000 से अधिक बेनिफिशरीज़ को हम जो है रीच आउट कर पाए हैं। और यही हमारी जिला प्रशासन की ओर से अपील है कि आप सब लोग भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें, और इस नेक काम में हम लोगों का जो लोगों की जो सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग। सर्दी का सीजन है तो रेन बसेरे का भी प्रावधान किया गया, तो नाइट शेल्टर्स जितने भी हमारे पिछले साल बनाए गए थे पूरे झज्जर जिले में, चाहे वो बहादुरगढ़ की बात करें या झज्जर शहर की बात करें या बेरी में बात करें, उनकी रख रखाव का निर्देश सभी कंसर्न अधिकारियों को दे दिया गया है। और डेली अब जो रैन बसेरों में जो जिनको भी इस की ज़रूरत है, तो प्रशासन का यही हम पूरा प्रयास रहेगा कि उनको हम जरूरत पे उनको हम सहायता करें। यहाँ पे स्लम एरिया में कुछ बच्चे तो बाल भवन झज्जर में जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो हमने यहाँ रिक्वेस्ट करी है सभी जो पेरेंट्स मौजूद हैं कि अपने बच्चों को या तो आंगनवाड़ी सेंटर में या बाल भवन में या स्कूल में भेजें। इसके लिए DCW की ड्यूटी लगाई गई है, और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे का सर्वे किया जाएगा कितने बच्चे हैं इस बस्ती के अंदर। और यही हमारा प्रयास रहेगा कि किसी न किसी माध्यम के द्वारा बच्चे जो हैं कुछ शिक्षा प्राप्त करें।